आयुष मंत्री कावरे ने हरी झंडी दिखाकर मातृ वंदना योजना का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर नानव कावरे ने आज दिनांक 4 सितंबर को परसवाड़ा जनपद मुख्यालय में हरी झंडी दिखाकर मातृ वंदना योजना का शुभारंभ किया। प्राप्त निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता बहनों द्वारा पैदल रैली निकालकर गांव-गांव व घर-घर जाकर बाल विवाह जैसी प्रथा रोकने का संदेश दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को शासन द्वारा मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई। इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान फायदा होगा। योजना की लाभ राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाती है, जहां उन्होंने परसवाड़ा जनपद मुख्यालय पर अनुभाग स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों की बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंत्री श्री कावरे ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी को सेवाभाव रूप से जनता के कार्य को प्राथमिकता से लेना चाहिए। हमें अपने जीवन में जनसेवा का सौभाग्य मिला है। समाज इन पदों पर आसीन है तो हमारा कर्तव्य है कि हम जनसेवा के काम करें। रोगी कल्याण समिति की बैठक लिया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में रोगी कल्याण समिति की बैठक लेकर रोगियों के लिए समस्त सुविधाओं का ध्यान रखने, बिजली, पानी, कैंटीन आदि व्यवस्थाओं व अतिरिक्त कक्ष के साथ अतिरिक्त डॉक्टर उपलब्ध कराने में चर्चा हुई। उपरोक्त बैठक में राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे के साथ अनुविभागीय राजस्व अधिकारी तन्मय वरिष्ठ शर्मा, SDOP अपूर्व भलावी, परसवाड़ा CEO जनपद जयदेव शर्मा, परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी, चिकित्सा अधिकारी हरीश मसराम, देवेंद्र रंगारे, भाजपा मंडल अध्यक्ष योगेश सरनागत, हिरदेसाई हिरवाने, अशोक कटरे, नरेंद्र पटले, महेंद्र तिवारी, दिगेंद्र गौतम, कमलेश सेलोकर, सिद्धार्थ जैन, तेजराम बोरीकर, सुरेंद्र गौतम परसवाड़ा एवं अनुभाग स्तरीय अधिकारी विभागीय कार्य योजना लेकर उपस्थित रहे। NPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए परसवाड़ा से रिपोर्टर उमेश की रिपोर्ट।